पृथला विधानसभा का हरफला गांव, 100 साल के ताऊ भी कल करेंगे मतदान, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, फरीदाबाद में 12 मई को मतदान है। सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान करना ना सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। अक्सर देखा जाता है वोटिंग कम होती है, कई लोग आलसवश मतदान करने नहीं जाते, कुछ लोग छुट्टियां बिताने चले जाते हैं। हम चाहते हैं सभी लोग मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हम इस वक्त बैठे हैं हरफला गांव में। यहां पर एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। इनका नाम है पंडित चेतराम वशिष्ठ। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मतदान को लेकर क्रेज है इनके अंदर। ये कल मतदान करने जाएंगे, बहुत ज्यादा उत्साह है। हम इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं इनके अंदर ये उत्साह कहाँ से आया। जो उत्साह हमारे देश के, हमारे शहर के युवाओं में नहीं होता, वो उत्साह पंडित चेतराम वशिष्ठ के अंदर दिखाई दे रहा है, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, इन्होंने आंदोलन देखा है, आजादी का आंदोलन देखा है, देश को आजाद होते हुए देखा है। अब ये बताएंगे आजादी के बाद किस तरह से देश में बदलाव आया है। ये पंडित चेतराम वशिष्ठ हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। हाँ जी पंडित जी। हाँ जी। क्या हाल है आपके, तबीयत सही है? सही है, सही है तबीयत। हाँ। कल मतदान है फरीदाबाद में, कल देश के लोग सरकार चुनेंगे, केंद्र सरकार चुनेंगे और फरीदाबाद के लोग सांसद चुनेंगे। क्या आपको वर्तमान सरकार का काम अच्छा लगता है? बड़ा अच्छा लगा मुझे। कौन से नेता को आप पसंद करते हैं देश में? मोदी लगा है। मोदी अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा ये बताओ ताऊ जी, कल मतदान है, क्या आप मतदान करने जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे आप। ये जो बाल करके मेहरबानी, जो अंधा हो गया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मतलब नजर कमजोर हो गई है आपकी। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बावजूद भी आप मतदान करने जाएंगे। अच्छा ताऊ जी ये बताइए, आजादी के बाद आपने भारत को देखा है बदलते हुए, अभी तो भले आपकी नजर थोड़ा कमजोर हुई है, अभी की जो वर्तमान सरकार है मोदी सरकार, क्या उनका कामकाज सही है, आपको सही लगता है? सही लगे भाई, सही लगे कतई। अच्छा, पाकिस्तान में घुसकर मारा था आतंकवादियों को। हाँ, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा ही लगा भाई, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर आप मतदान करेंगे और मोदी जी का काम आपको पसंद है, अच्छा लगता है मोदी जी का काम? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या आपको लगता है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी 100% मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। ये पंडितों का गांव है हरफला गांव, सभी पंडित हैं अधिकतर। आपका क्या नाम? मेरा नाम सरपंच राजेश शर्मा। सरपंच है गांव के जी। आपको क्या लगता है? अब की बार मोदी लहर है, लहर है और लोग शिक्षित हैं, और अब की बार जो मतदान होगा वो जात पात से ऊपर उठकर होगा। अच्छा, इसमें जात पात का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लोगों की नजरों में मोदी जी छाए हुए हैं, तो डेफिनेटली हमारी इच्छा है कि मोदी जी की सरकार बनेगी। तो एक तरह से कहें कि युवाओं के अंदर और देशवासियों के अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति दोनों पैदा हो चुकी है, कूट कूट कर भर गई है जी। इसी वजह से मोदी जी की लहर पैदा हो गई। मोदी जी ने जो भी अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं, लोग बाग उनसे संतुष्ट हैं, और भारत का फ्यूचर जो ब्राइट लगता है वो मोदी जी के कार्यकाल में ही लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है कुछ न कुछ अच्छा होगा आने वाले समय में, क्योंकि उनके पास जो पावर है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है, लास्ट में जो दो तीन उन्होंने अपने डिसीजन लिए हैं उससे बहुत बदलाव आया। जो भी नोटबंदी, जीएसटी, जो भी उन्होंने कानून बनाए उससे बदलाव आया। तो कुल मिलाकर कल मतदान होगा, ताऊ जी को भी आप लोग ले जाएंगे, मतदान कराएंगे। ताऊ जी, जो जैसे आप जो है 100 साल के हो गए हैं फिर भी मतदान करने जाएंगे,
ताऊ जी, आप हमारे जो फरीदाबाद के युवा हैं, जो आलस करते हैं, जो मतदान करने नहीं जाते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताऊ जी? सभी वोट डालने चाहिए, सबको वोट डालने जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। ठीक है ताऊ जी।